दोस्तों आपके अपने चैनल प्लेइंग के कैसे के भी हार्दिक स्वागत है। दोस्त आज मैं बात करने जा रहा हूँ लेग स्पिन के बारे में, जो कि दोस्त आपने अगर मेरा वीडियो पहला नहीं देखा होगा पहला पार्ट का तो आप जाकर देख सकते हो, और ये पार्ट दूसरा है। क्योंकि दोस्त क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि लेग स्पिन मैं करता हूँ बट इसका टप्पा सेट नहीं होता, तो उसके बारे में पूरा ये वीडियो है। तो दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट देखें, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें, और दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्त क्या होता है सब्सक्राइब करने से होता है जो मैं आपके लिए नया वीडियो लगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्त, शुरू करता हूँ। दोस्त देखो क्या है, जब भी आप बॉल पकड़ते हो, बॉल का देखो मेन बेसिक क्या है, लेग स्पिन का ग्रिप है। ग्रिप अगर आपको अच्छा नहीं आप पकड़ पा रहे हो तो आपका बॉल क्या होगा, हाथ से पहले छूट जाएगा या थोड़ा बाद में छूटेगा, जिसके कारण आपको फुल टॉस हो जाएगा, तो जिसके कारण आप चौका या छक्का या वाइड फुल टॉस ऐसा चला जाएगा, तो उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो तो जैसा कि आपने बेसिक जो आपने बताया होगा, जो आपके कोच बताए होंगे, आप किसी से पूछा होगा, तो जो बेसिक ग्रिप है ये आपका ग्रिप ये होता है। देखो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना आपका ये आपका बेसिक ग्रिप होता है लेग स्पिन का। ठीक है, ये आपका बेसिक ग्रिप हुआ। जैसे कि ये आपका बेसिक, किसी किसी ने क्या होता है कि कोई किसी किसी का ग्रिप ऐसे होता है, किसी किसी का ग्रिप ऐसे होता है, तो सबका अपना अपना होता है। लेकिन जो जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप देखना, जो कि मैं रूल जो लेग स्पिन का रूल है, जो लेग स्पिन का सही टप्पा करना चाहता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो इसका जो ग्रिप है ये है। अगर ये ग्रिप से आप डालोगे ना, देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ग्रिप से आप डालोगे तो आपका बॉल कभी भी शॉर्ट पिच नहीं होगा ना फुल टॉस होगा। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान देना है, जब भी आप डिलीवर करोगे बॉल जब भी आप डिलीवर करोगे तो आपका जो पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट है, जैसे आप डिलीवर करोगे ना तो हाथ जो है ना आपका, देखो फुल टॉस क्यों चला जाता है, फुल टॉस इसलिए चला जाता है कि आपका जो हाथ है ये पीछे से छूट जाता है। जैसे कि आपने ये देख रहा होगा ये बॉल है, ये बॉल ऐसे में पकड़ लिया, ग्रिप ऐसे पकड़ लिया, उसको मैं बॉल जब डिलीवर करने वाला होता हूँ तो ये जो हाथ है ना पीछे से, यानी कि कान के पास नहीं आके पीछे से छूट जाता, पीछे से छूटेगा तो क्या होगा फुल टॉस चला जाएगा, और आगे से छूटेगा तो क्या होगा शॉर्ट पिच चला जाएगा। तो इसी के कारण बॉल शॉर्ट पिच और फुल टॉस होता है। तो प्रॉपर जो आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे कि बॉल ये पकड़ लिए और आपका छोड़ने का तरीका है एकदम यहाँ से, जो कान के एकदम कान के थोड़ा सा साइड से, यहाँ से जब आप बॉल डिलीवर करोगे और लास्ट जब बॉल डिलीवर करोगे तो आपका ये होना चाहिए। अगर टर्न कम कराना है तो ये, ज्यादा कराना है तो ये, कम करने के लिए ज्यादा के लिए ये हो गई। दूसरी बात, अगर आप लेग स्पिन जानते होंगे और आपको प्रॉब्लम होता होगा कि टॉप स्पिन कैसे फेंके, सीधी बॉल कैसे करें, तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, सेम ग्रिप पकड़ना है, सेम ग्रिप एकदम पकड़ना है, और सेम ग्रिप के साथ आपको सीधा एकदम कर, ये सेम ग्रिप है आपका, ये ग्रिप सेम ही होगा। क्योंकि दोस्त क्या होगा, ग्रिप अगर आप चेंज करोगे तो बैट्समैन आपको पिक कर लेगा कि ये कुछ अलग डालने वाला है, इसलिए आपको सेम ग्रिप से ही जाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेग स्पिनर जो कि अलग अलग ग्रिप करते हैं, कोई ऐसे पकड़ लेता है सीधा के लिए कोई, तो इससे क्या होता है कि आपका बॉल पिक हो जाता है, आपको बैट्समैन हिट कर देता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बॉल पकड़ो तो सेम ग्रिप के साथ पकड़ो, जो लेग स्पिन का ग्रिप है उसी ग्रिप के साथ आप पकड़ो, और जब भी आप स्टेटर मारना चाहते हो तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सेम ग्रिप के साथ ये ऐसे छोड़ देना, ऐसे छोड़ोगे तो आपका बॉल क्या होगा, गिरने के बाद स्किड करेगा और सीम के साथ सीधा जाएगा और हल्का सा हाइट लेगा, हाइट लेने से ये फायदा होगा कि बैट्समैन खेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी जब भी आप स्टेटर मारो टॉप स्पिन करो तो आपको ये जाना है, और लेग स्पिन क्या करना है, हल्का सा ये मोड़ देना है, टॉप स्पिन ये, लेग स्पिन ये। और दोस्त और गूगली अगर आप सीखना चाहते हो तो गूगली के मैं आपको बता देता हूँ, और इसके गूगली के ऊपर एक अच्छा वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशल गूगली, लेकिन इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, अगर आप सीखना चाहो तो आप बोलना, कमेंट में बोलना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब गूगली आप चाहते हो सीखना तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गूगली का ग्रिप आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बस खाली, जैसे लेग स्पिन आपको ये हो गया, आपको इसी ग्रिप में आपको बता दिया क्या टॉप स्पिन, और इसी ग्रिप में आपको हल्का सा ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर, ये देखो ये जो फिंगर है ये ऊपर ना होके, ये लेग स्पिन का हो गया, ये ऊपर ना होके हल्का सा क्या करना है, हल्का हल्का नीचे नीचे करके क्रॉसिंग पकड़ना है, ये जो आपका ये है ना, ये टर्निंग फिंगर, ये टर्निंग फिंगर के ऐसे ऐसे सीम से कर लेना है। ठीक है, सीम से कर लेना है, और आपको क्या करना है कि यहाँ जब आप मोड़ोगे कान के बिल्कुल पास से ये जो है ना, ये आपको कलाई को रोटेट करना है, रोटेट जब भी करोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका फिंगर है टर्निंग फिंगर आगे ये जाएगा, ये आपको जाएगा, ये हो जाएगा आपको अंदर गिरने का। क्योंकि बैट्समैन क्या होता है, आपको जब भी अगर विकेट मैच में नहीं मिल रहे हैं और आप सोच रहे हो यार क्यों नहीं विकेट मिला, तो दोस्त क्या होता है कि अगर एक ही बॉल आप डालते जाओगे ना, लेग स्पिन डालते जाओगे, तो क्या होगा कि बैट्समैन को पता चलेगा कि यार इसके पास कोई वेरिएशन है नहीं,
थे, तो बस लेग स्पिन डालेगा और लेग स्पिन तो खेल जाएगा जी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी टप्पे से क्या करना है कि बस हल्का सा आप ऐसे बॉल पकड़ के जाओगे और हल्का सा लास्ट में बस नीचे हल्का खींच लेना है उंगली को और उसको उसी टप्पे से हल्का ऑफ स्टिक से आपको डाल देना है और वो खेलने जाएगा, या तो एलपी होगा या फिर बोल्ड हो जाएगा। तो दोस्त ये वीडियो अच्छा लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, क्योंकि दोस्त क्या होता है कि लाइक सब्सक्राइब करने से होता है कि जो भी मैं आपके लिए नया वीडियो लूंगा आपका नोटिफिकेशन उसके पास सबसे पहले होता है। ठीक है दोस्त, नमस्कार।